हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आपको आज ये बताने आई हूँ कि बाजू जो है किस तरीके से बनाए जाते हैं, चाहे कार्डिगन के लिए हो या स्वेटर के लिए हो, आप बाजू कैसे बनाएंगे। तो ये बेसिकली नॉर्मली मैंने लेडीज़ के लिए किया है, तो मैंने 46 फंदे यहाँ पे डाल के एक सीधा एक उल्टा करके जो है इसे बॉर्डर बनाया है। तो जेंट्स के लिए जो है नॉर्मली हम 50 to 52 फंदे जो है वो डालते हैं। देखिए ये मैंने फंदे डाले हैं 46 और ये जो है 12 सिलाइयों का जो है मैंने बॉर्डर बनाया है। फिर आप इसे आगे जाकर जो है इसे फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए 46 है इसमें, तो हम इसमें कम से कम 52 फंदे करेंगे, तो 6 फंदे हम और बढ़ाएंगे। तो हम इसे दो यहाँ बढ़ाएंगे, दो बीच में और दो साइड पे। देखिए इस तरीके से बढ़ाया, एक फंदे में से ही हम जो है दो करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से हम जो है ये फंदा बढ़ाते हैं। ये देखिए इसके सेंटर में आ गए हम। अब हम जो है इसके सेंटर में भी दो फंदे बढ़ाएंगे। आपने जितने भी फंदे बढ़ाए बेसिकली तीनों को हम फंदों को डिवाइड करके तीन जगह पे बढ़ा देते हैं, एक दो साइडों पे और सेंटर में। इस तरीके से बढ़ाएंगे। अब दो फंदे हम यहाँ भी बढ़ाएंगे। फिर आपने जो डिज़ाइन डालना है इस तरीके से करके इस बाजू पे डालेंगे। जो भी आपने अपने कार्डिगन पे, अपने स्वेटर पे जो डिज़ाइन डाला है वो हम डालेंगे। उल्टी सिलाई जो है उसी तरीके से बनाएंगे जैसे आप बनाते आए हैं। ये देखिए हम आ गए लास्ट में। अब जो है इसमें एक और फिर इसमें दो। ये देखिए हमने फंदे बढ़ा लिए, ये अब 46 से ये 52 फंदे हो गए, 6 फंदे हमने इसमें और बढ़ाए। अब हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम जब ये बाजू हम बनाते हैं, जो भी डिज़ाइन हम इसमें डालेंगे, हम दोनों साइड्स में जो है फंदे बढ़ाते हैं हर चौथी सिलाई पे। पहले जो है हम हर चौथी सिलाई पे जो है साइड्स में फंदे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, सिर्फ इस साइड और इस साइड, उल्टी तरफ से नहीं, सीधी ही लाइन में। और कम से कम 4 से 6 बार हम 4 सिलाइयों के बाद बढ़ाते हैं, उसके बाद जो है हम 6 सिलाइयों के बाद बढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है इसका जो है शेप ऐसे बाजू की तरह ही आपकी आती है, तो उस तरीके से हो जाता है। जहाँ तक हमारी लंबाई है वहाँ तक कम से कम हमारे जो है, जो हमने अपने स्वेटर पे फंदे नीचे बॉर्डर पे डाले हैं, जैसे मैंने अपना एक कार्डिगन बनाया था उस पर मैंने नीचे बॉर्डर पे जो है 100 फंदे डाले थे, तो हमारा जो ऊपर तक जहाँ तक हमारी लंबाई बाजू की आती है वहाँ तक कम से कम 100 फंदे हो जाने चाहिए। तो जब ये 100 फंदे हो जाते हैं तो फिर हम जो है उसकी शेप जो है बेसिकली इस तरीके से आ जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ती है, वो बेसिकली इस तरीके से जाती है शेप। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई इसकी पूरी कर ली। अब इसके बाद फिर हम दोबारा जो है सीधी सिलाई पे आ गए। तो जो भी डिज़ाइन या जैसे भी आपने किया होगा वो आप करके एक और पूरी सीधी सिलाई आप इसे करेंगे। ये भी हमने कर ली इसे पूरी। अब आए हम नेक्स्ट थर्ड सिलाई पे जो उल्टी आ रही है, इसे हम पूरी उल्टी ही करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया है आपको उसे हम उल्टी ही करेंगे। हम आ गए जो है चौथी सिलाई पे। अब आपने कैसे बढ़ाना है ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ, बाकी सारे आपने वैसे ही बढ़ाने हैं। पहला फंदा आपने बुना और दूसरे फंदे पे हमने जो है इसे बढ़ाना है इस तरीके से। ये देखिए फिर आपने यहाँ पे हमने बढ़ाया है, इसके बाद जो भी आपने बुनाई डाली होगी या सीधा बनाया होगा, और फिर हम लास्ट में आके इस वाले फंदे पे उसी तरीके से बढ़ाएंगे जिस तरीके से हमने यहाँ बढ़ाया। देन अगेन उल्टी सिलाई करेंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, और उसके बाद फिर बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम चौथी सिलाई पे, हर चौथी सिलाई पे जो है साइड्स में फंदे बढ़ाएंगे। कम से कम 4 से 5 बार ऐसा हम करेंगे। और उसके बाद हम 6 सिलाई पे, जैसे हमने ये चौथी सिलाई पे किया, फिर हम 6 सिलाई पे जो है दोनों साइड्स पे फंदे जो है बढ़ाएंगे। तो एक बाजू की जो है आपकी शेप आ जाती है बेसिकली। और उसके बाद फिर हम बाजू की लंबाई जब पूरी हो जाती है तो हम बगल की कटिंग करेंगे, वैसे ही जैसे हमने अपने कार्डिगन या स्वेटर पे किया है। 5, 3, 2, 1, हर चौथी सिलाई पे दोनों साइड्स पे आप
एक एक फंदा बढ़ाएंगे और चार पांच फंदे बढ़ जाने पर आप फिर छह सलाई में जो है एक एक फंदा दोनों तरफ जो है पूरी बाजू, जब तक आपकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आप बनाएंगे। और ऊपर जो है कम से कम आपके जितने आपके फ्रंट या बैक के बॉर्डर पे होता है ना, 100 फंदे डाले थे हमने, उतने होने चाहिए, कम से कम 100 या 104 हो जाए। तो ये इस समय मेरे पास यहाँ पे 104 फंदे हो गए हैं। ये स्लीव है कार्डिगन की। अब इसकी कटिंग बताती हूँ कि किस तरीके से की जाती है। जैसे मैंने आपको बैक और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग बताई थी 5 3 2 1, वैसे ही पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले 5 करके जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। ये आपने 1 2 1 आपने कटाया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए। फिर हम जैसे हमने डिज़ाइन डाला है या सीधा करा है वो हम करेंगे, और जब उल्टी सिलाई पे आएंगे तब हम यहाँ पे घटाएंगे। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। पहले आप जो भी आपने ये बनाया होगा उस तरीके से ये सिलाई पूरी करेंगे। देखिए ये आ गए हम उल्टे साइड पे। यहाँ तो हमने सीधे साइड में भी कटिंग की है, 5 घटाए हैं, अब हम उल्टे साइड से भी ऐसे करेंगे। 1 2 और ये आप इस पे से उतार दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5वां। ये देखिए ये हमने यहाँ पे भी 5 स्टिच जो है घटा दिए। अब आप वैसे ही पूरी सिलाई करेंगे जैसे आपने करनी है, कोई डिज़ाइन डाला है या फिर आपने प्लेन बुना है तो आप इसे कर लीजिए। इसी तरह से हम 3 2 1 पहले हम इस तरीके से घटाएंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ कि हम किस तरीके से जो है इसे आगे की कटिंग करते हैं बाजू की। ये देखिए कटिंग कर ली मैंने, जैसे हमने अगल बगल आगे और पीछे के पार्ट का कटिंग किया, 5 3 2 1 करके कटिंग होगी। अब ये जो है ये फंदे बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों तरफ से दो दो फंदे हर लाइन में बंद करने, इस सीधी में फिर उल्टी में, सीधी में फिर उल्टी में, जैसे आपने ये किया। आप ये देखिए 1 1 और ये 2, ये हमने 2 घटा दिए इस तरीके से। अब पूरी लाइन जो है आपने एज इट इज़ बनानी है, जैसे आप बनानी है आपने, जैसे भी आपने करना है। और उसके बाद फिर हम उल्टी साइड पे उसे जो है बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमने 2 यहाँ पे घटाए। अब जब हम यहाँ पूरा कर लेंगे और उसके बाद उल्टे साइड पे आएंगे तो 2 उसी तरीके से घटाएंगे जैसे ये घटाए थे। तो यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब हम कटिंग करते हैं तो जब हम इस तरीके से ये लास्ट में हम पहुँचेंगे तो आप जो है इस फंदे को इसी तरीके से उतारिएगा, नहीं तो क्या होता है कटिंग ऐसे स्मूथली फाइन नहीं आएगी। आपने लास्ट फंदा जो है जब ऐसे ही उतार लिया, उसके बाद आप जब इस साइड पे आए, अब आपने यहाँ पे 2 घटाने हैं, तो आप ये जो उतारा हुआ फंदा इस पे ले लीजिए और ये दूसरा फंदा भी ऐसे ले लीजिए, इसे बुनना नहीं है अभी आपने। ये उतारा फंदा आपने ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा ले लीजिए बिना बुने हुए और इस फंदे को इस पे से उतार लीजिए ऐसे करके। ये 1 हो गया, अगेन ये 2 हो गए। ये देखिए तो क्या होगा कि आपकी कटिंग जो है सीढ़ी की तरह नहीं आएगी, बेसिकली स्मूथ कटिंग जो है एज की जो है आपके इसकी आएगी इस तरीके से। तो आपने हर बार ऐसे ही करना, आपने इस साइड पे आना है तो यहाँ पे ये फंदा आपने बिना बुने हुए रखना है, देन नेक्स्ट सिलाई पे आप इसे इस पे से उतार लेंगे। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कीजिएगा और बाकी जैसे सिलाई आपने बुनी है वैसे प्रॉपरली पूरी। देखिए जैसे ये लास्ट पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये लास्ट वाला फंदा आपने बुनना नहीं है, ऐसे ही इस पे उतार देना है। अब इसे सीधे साइड में आप आ जाइए, यहाँ से भी आपने 2 फंदे बंद करने हैं तो आप इसे उतार दीजिए और एज इट इज़ इससे भी उतार दीजिए और इसको उसके ऊपर से ऐसे ले लीजिए, 1 2। ये देखिए
ये देखिए कटिंग हो रही है। इसी तरीके से आपने दोनों तरफ से करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कटिंग जो है अच्छी एज करके आएगी। ये देखिए ये कटिंग हो गई बाजू की। ये दो 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 दोनों तरफ से जो है, दोनों तरफ से हमने कटिंग की है। और ऊपर जो है ये 17-18 फंदे बचे हैं, इन्हें एक साथ हम बंद कर देंगे। इस तरीके से ये जो है बाजू की कटिंग की है, ये देखिए ये बाजू की कटिंग कर ली। और इसके साथ हम जोड़ेंगे इस तरीके से जो है, ये बाजू की कटिंग होती है बॉर्डर के बाद। मैंने एटलीस्ट ये 18 इंच, वैसे तो अपने अपने बाजू के हिसाब से होता है, बट मैंने ये जो है बॉर्डर के बाद 18 इंच लंबा बनाया। और उसके बाद इसकी जो है 5-3-2-1 करके कटिंग की, और उसके बाद 2-2 से कटिंग की। कुछ लोग इसकी 3-3 से भी करते थे, ये अपने अपनी बेसिकली कटिंग का तरीका है कि किस तरीके से आप जो है इसकी जो है बाजू की कटिंग करेंगे।